गैलेक्सी M33 5G एक 5G स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से, जिसका प्राइस शुरू होता है 17,999 रुपए से। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस प्राइस में सैमसंग ने अपना खुद का प्रोसेसर दिया है जो कि है एक्सनॉस 1280 चिपसेट। अब कैसा है ये स्मार्टफोन, क्या आपको खरीदना चाहिए नहीं चाहिए, इन सब के बात करने वाले इस वीडियो में। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। तो इस रिव्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, पहला प्रोस और दूसरा है कॉन्स। प्रोस में हम ये बात करने वाले हैं कि फोन में क्या अच्छा है, किन रीजंस की वजह से आपको सैमसंग गैलेक्सी M33 5G खरीदना चाहिए, और कॉन्स में हम इस चीज का बात करने वाले हैं कि इस फोन में और क्या बेटर किया जा सकता था, या फिर कि क्या कमी अभी भी रह गई है सैमसंग गैलेक्सी M33 5G में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोस के, क्या अच्छा है स्मार्टफोन में या किस रीजन से आपको सैमसंग गैलेक्सी M33 5G खरीदना चाहिए। तो सबसे पहला जो रीजन होना चाहिए आपका या फिर है इस स्मार्टफोन का, वो ये है कि 18,000 रुपए में आपको एक फ्यूचर प्रूफ फोन मिल जा रहा है, क्योंकि जब 5G आएगा तो इस स्मार्टफोन में ऑलरेडी 5G है, तो आपको फोन अपग्रेड करने का या फिर चेंज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि इसमें 6000 mAh की बैटरी दी गई है, उसके बाद भी फोन मैं बोलूं कि ज्यादा हैवी नहीं है, और साथ साथ 6000 mAh की बैटरी है, तो 2 दिन ये फोन आपका आराम से निकाल देगी अगर आप हैवी यूज कर रहे हैं तो भी। बैटरी को लेके आपको ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला है। ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस की मैं बोलूंगा कि इस स्मार्टफोन को आप कंसिडर कर सकते हो। तीसरी जो बहुत सही चीज है इस स्मार्टफोन की, वो ये है कि इसमें 6.6 इंच की LCD डिस्प्ले दी गई है, वो भी 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। डिस्प्ले इसका अच्छा है, और अगर आप आउटडोर भी इसको यूज करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ब्राइट सनलाइट में भी ये बहुत सही काम करता है, एंड कंटेंट अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, या फिर मैं बोलूं कि आप बहुत एंजॉय करने वाले हो इसके डिस्प्ले के साथ। फोर्थ जो बड़ा रीजन होना चाहिए आपको स्मार्टफोन को खरीदने के लिए, वो ये है कि इस फोन में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें कि 50 MP इसका प्राइमरी लेंस है, बाकी इसमें 2 MP का मैक्रो लेंस दिया गया है, 2 MP का डेप्थ सेंसर और 5 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा इसमें दिया गया है। कैमरा इसका अच्छा काम करता है, प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरा अच्छा है। 8 MP का सेल्फी कैमरा इसमें दिया गया है, एंड ट्रस्ट मी इसका जो कलर टोन है या फिर बोलूं जो स्किन टोन आपको देखने को मिलता है 20,000 के रेंज में, उसके हिसाब से इसका जो सेल्फी कैमरा जो कलर टोन आता है वो बहुत अच्छा है। आप सेल्फी जब लोगे तो कहीं से भी आपको ऐसा फील नहीं होने वाला है कि आप कुछ ज्यादा ही गोरे दिख रहे हो इसमें, या फिर कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हो गए हो, ये आपका जो ओरिजिनल स्किन टोन है वो आपको दिखाता है, जो कि एक अच्छी चीज है इसके सेल्फी कैमरा की। फिलहाल आप ये कुछ फोटोज देखिए जो मैंने सैमसंग गैलेक्सी M33 5G से क्लिक किए, और डिसाइड करिए कि आपको कैसा लग रहा है इसका कैमरा। फोन में अच्छा क्या मिलता है इसके बारे में तो हमने बात कर लिया, लेकिन हर फोन परफेक्ट नहीं होता है। इस फोन में भी कुछ कमियां हैं, या फिर मैं बोलूंगी कुछ चीजें हैं जिनको कि और बेटर किया जा सकता था, तो चलिए अब उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है इसका परफॉर्मेंस। इसमें एक्सनॉस 1280 चिपसेट दिया गया है, जो कि सैमसंग का खुद का है, जो कि मैं बोलूंगा प्राइस रेंज के हिसाब से ये थोड़ा अंडर पावर है। बेसिक यूसेज में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन मल्टीटास्किंग में ये स्मार्टफोन थोड़ा स्ट्रगल करने लग जाता है। प्लस अगर आप गेम्स खेलना पसंद करते हो तो बेसिक्स गेम तो इसमें बहुत अच्छे से चल जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप हैवी गेम्स जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर मैं बोलूं BGMI खेलते हो, वहां पे फ्रेम ड्रॉप देखने को शुरू हो जाता है, साथ ही साथ फोन लैग करने लगता है। तो ऐसा बोलना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि परफॉर्मेंस वाइज ये स्मार्टफोन और बेटर हो सकता था, या फिर अगर इसमें चिपसेट कोई और यूज किया जाता तो वो मल्टीटास्किंग को और जो हैवी गेम्स खेलते हैं उनको भी और बेटर कर सकता था। अब दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है सैमसंग गैलेक्सी M33 5G का, वो ये है कि ये स्मार्टफोन सिर्फ 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जबकि इसमें 6000 mAh की बैटरी दी गई है, और जो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है उसमें भी चार्जर इसके बॉक्स में नहीं आता है, तो उसके लिए आपको अलग से स्पेंड करना होगा। उसके बाद भी आपके फोन को चार्ज होने में लगभग 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी दी गई है और 25 वॉट की मैक्सिमम चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा डाउनसाइड है, 6000 mAh की बैटरी दी गई है, एटलीस्ट 50 वॉट 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करना चाहिए था इस स्मार्टफोन में, क्योंकि 20,000 के प्राइस रेंज में कस्टमर को सब कुछ चाहिए होता है, और वो सब कुछ इस स्मार्टफोन में नहीं मिल पा रहा है। अब तीसरी कमी जो मुझे स्मार्टफोन में देखने को मिला है वो ये है कि अल्ट्रा वाइड लेंस का जो परफॉर्मेंस है, या फिर मैं बोलूं जो आउटपुट आता है वो अप टू द मार्क नहीं है। आज के टाइम लोग अल्ट्रा वाइड लेंस बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, और वहां पे इसका जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। फिलहाल अभी कुछ इमेजेस देखिए और आप डिसाइड कर पाओगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं।
तो अब आते हैं वर्डिक्ट पे कि क्या ये स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए नहीं चाहिए, किन के लिए स्मार्टफोन सही रहने वाला है और किन के लिए सही नहीं रहने वाला है। तो उन लोगों के लिए स्मार्टफोन बहुत सही रहने वाला है जिनको सैमसंग का यूआई पसंद है, उनका बजट 18,000 से ज्यादा वो एक्सीड नहीं करना चाहते हैं, या फिर मैं बोलूं कि बैटरी उनको बहुत अच्छी चाहिए, डिस्प्ले उनको अच्छी चाहिए, तो उनके लिए स्मार्टफोन अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस सेंट्रिक आपको स्मार्टफोन चाहिए, साथ ही साथ आपको गेम्स खेलना है और मैं बोलूं कि डिजाइन वाइज भी आपको फोन अच्छा चाहिए, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए सही नहीं होने वाला है। वहीं अगर से कंप्यूटर्स की बात करें तो सैमसंग का अपना F23 5G एक अच्छा स्मार्टफोन बन जाता है इस प्राइस रेंज में, साथ ही साथ रियलमी 9 और रेडमी नोट 11 प्रो जो है वो भी इस प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। ये था हमारा रिव्यू सैमसंग गैलेक्सी M23 5G का। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को लाइक फॉलो शेयर करना मत भूलिएगा।